एवरीवन, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जनरल तरीका बताया था, ठीक है, कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम विद इन 10 सेकेंड लिख सकते हैं, चाहे एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, 100, 85, 90 कुछ भी हो। ओके, अब कुछ होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, तो एक्सेप्शनल का हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक्सेप्शनल का भी हम रूल के हिसाब से ही लिखते हैं। बस छोटी सी एक दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें यहाँ ध्यान में रखनी है, देखिए इस लेक्चर में मैं डी ब्लॉक का एक्सेप्शन, देखिए जो एक्सेप्शन होता है वो डी ब्लॉक में होता है और एफ ब्लॉक में होता है। एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ठीक। तो डी और एफ ब्लॉक में जो एक्सेप्शंस होता है उनका भी हम रूल के हिसाब से लिखेंगे, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और डी ब्लॉक में जो एक्सेप्शन होता है उनमें हम मेनली हमें क्या याद रखना है, क्रोमियम फैमिली का याद रखना है, निकिल फैमिली का और कॉपर फैमिली का। इनके अलावा कुछ मत याद रखिएगा, ठीक है, इनके अलावा कुछ याद मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि 4D सीरीज में लगभग सभी का आपका क्या एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखिए। मैक्सिमम केसेस में कॉपर और क्रोमियम की ही जरूरत पड़ेगी, उसके बाद भी अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो इसमें आ जाएंगे, बाकी किसी का याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए लैंग्वेज आपको क्या याद रखनी है, डी ब्लॉक में जो एक्सेप्शन होंगे उनके लिए लैंग्वेज क्या याद रखिएगा कि क्रोमियम फैमिली, निकिल फैमिली एंड कॉपर फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते वक्त सावधान रहना। क्या? क्रोमियम फैमिली, निकिल फैमिली एंड कॉपर फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते वक्त सावधान रहना। ओके, कैसे सावधान रखना है कि डी ब्लॉक में अगर आपको कभी भी अगर ऐसा दिख जाए NS2, N-1, D4 कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, तो D4 जब भी दिखे तो आप किस में कन्वर्ट कर देंगे उसे, NS1, N-1, D5 में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट फील्ड, ठीक है, एक्सेप्ट आपको ये याद रखना है, एक्सेप्ट टंगस्टन। ओके, सिर्फ टंगस्टन जो होता है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 74 होता है, W टंगस्टन बोलते हैं, ये आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, D4। बाकी अगर आपको कभी भी D4 दिख जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, S से एक इलेक्ट्रॉन कुदा देंगे, S से एक इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, D5 में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह आपको अगर ऐसा डी ब्लॉक में दिख जाए कि NS2, N-1, D9 कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, ठीक है, D9 दिखे, तो D9 जैसे दिखे तो S से एक इलेक्ट्रॉन कुदा के उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, NS1, N-1, D10, ठीक है। ये दो बातें याद रखिए, जब भी आपको D4 दिखे तो D5 में कन्वर्ट कर देना है S से एक इलेक्ट्रॉन कुदा के, ठीक है, और जब भी आपको D9 दिखे उसे D10 में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट फील्ड। ओके, और एक्सेप्ट याद रखना है कि टंगस्टन जो होता है वो D4 में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए चलिए लिखते हैं, तो क्रोमियम फैमिली में जो होता है, क्रोमियम फैमिली में ये देखिए, क्रोमियम फैमिली का निमोनिक्स क्या था, क्रोमोटन, क्रोमोटन एक जगह का नाम था, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपका 24 होता है, मॉलिब्डेनम का आपका होता है 24 में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो 42 आ जाएगा, और टंगस्टन का आपका 74 होता है। तो मैंने क्या बोला, रूल के हिसाब से लिखेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने रूल बता दिया था, इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, तो पिछला लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो रूल क्या हो जाएगा, यहाँ आर्गन 18 के बाद, आर्गन 18 के बाद आपका क्या यहाँ पे निकल के आएगा, 4s2 3d4 निकल के आएगा। रूल के हिसाब से मैंने क्या बोला, जब भी 3d4 आपको मिले तो क्या कर देना है, S से एक इलेक्ट्रॉन कुदा के कुदा दीजिएगा, तो यहाँ पे 4s1 3d5 हो जाएगा। ओके, सो सिंपल। यहाँ पे भी देखिए मॉलिब्डेनम में भी यही करेंगे, तो क्रिप्टॉन 36, ठीक है, 5s1 या 5s2 4D आपका 4 होना चाहिए था, लेकिन ये मैंने क्या बोला, D4 मिले तो आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है उसे D5 में, तो यहाँ पे 5s1 4d5 हो जाएगा सिंपली। टंगस्टन का मैंने क्या बोला, टंगस्टन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसका रूल के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। रूल मैंने क्या बताया था कि सोचना है आपको इससे पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस आएगी, ज़ेनॉन 54, इसका सेल नंबर 5 है, यही आपको बताएगा कि इसके बाद कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे। पिछले लेक्चर में सब बता दिया हूँ, इस लेक्चर में नहीं बताऊँगा। तो इसके बाद कौन सा भरा जाएगा, 6s2 भरा जाएगा। ओके, उसके बाद 4f14 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका, 5d4 हो जाएगा। यही एक ऐसा है जो D4 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका तो रूल के हिसाब से लिख सकते हैं, इनमें एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अदर टंगस्टन को छोड़ के कभी भी आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो उसे D5 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो क्रोमियम फैमिली में कौन कौन से हो जाएंगे भाई, क्रोमोटन
ठीक है, क्रोमोटॉन, क्रोमोटॉन में क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में ही चेंज आता है, टंगस्टन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, अब चलिए कॉपर फैमिली का देख लेते हैं। तो कॉपर फैमिली में कौन आगे आया, इनमें आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि सब सबका इसमें क्या होता है। जैसे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, ओके, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। एक रूल के हिसाब से हम लिखेंगे तो इसका आर्गन, आर्गन 18 के बाद से क्या हो जाएगा आपका 4s2 3d9 होगा। मैंने क्या बोला, जब भी 9 मिले तो किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा उसे, 4s1 3d10 में कन्वर्ट कर देना है। ओके, सो सिंपल, जो रूल बताएं, 4s1 3d9 मिले तो उसको 3d10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 36। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ कि पिछला लेक्चर मैंने बता दिया है। तो क्रिप्टन 36 के बाद यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 5s2 4d9 होना चाहिए था रूल के हिसाब से, लेकिन 9 जब भी मिलेगा तो हम क्या कर देंगे उसे 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5s1 और 4d10 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा आपका, तो जेनॉन 54 के बाद 6s2 4f14 और यहाँ पे 5d क्या हो, 9 आएगा, लेकिन हमको कन्वर्ट किस में कर देना है, 6s1 4f14 और उसके बाद 5d10 में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जब भी 9 मिलेगा तो उसे 10 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 9 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का 9 होता है, सबका अगर 9 मिले, 3d9 मिले तो उसे d10 में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन d4 सिर्फ और सिर्फ किसका एग्जिस्ट करता है, टंगस्टन का, और बाकी सबके किसी केस में d4 मिले तो उसे किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप, d5 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ओके, अब इनका तो रूल बन गया, विदाउट रूल वाले कौन से हो गए भैया हमारे, निकल फैमिली में देखो, निकल पड़े पटना वाले बड़े खतरनाक होता है पैलेडियम, तो निकल का तो भैया मेरे कोई एक्सेप्शन नहीं है, रूल के हिसाब से होता है, आर्गन 18 के बाद 4s2 3d8 होता है इसका। ठीक है, लेकिन पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 होता है और प्लेटिनियम का 78 होता है। ठीक है, तो पैलेडियम का जब हम लिखते हैं तो क्रिप्टन 36 के बाद इसका होना चाहिए था 5s2 4d8 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन होता क्या है भैया मेरे, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन कूद जाता है क्योंकि इसको फुली फिल्ड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5s0 4d10 हो जाता है, क्रिप्टॉन के बाद 5s0 4d10 हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कूदता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेनॉन 54 के बाद आपका 6s2, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 6s2 4f14 और 5d8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका एनर्जी गैप बढ़ जाने के कारण एक ही इलेक्ट्रॉन कूदता है। तो यहाँ पे क्रिप्टॉन 36 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 6s1 4f14 5d9 हो जाता है। ठीक है, सिंपली आपको इतना ही याद रखना है, क्रोमियम फैमिली, निकिल फैमिली और कॉपर फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते वक्त सावधान रहना। क्रोमियम और कॉपर में क्या हो जा रहा है, मैंने रूल बता दिया, जब भी आपको d4 मिले तो उसे d5 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कौन सा, टंगस्टन, और जब भी आपको d9 मिले तो उसे हमेशा d10 में कन्वर्ट कर देना है, S से एक इलेक्ट्रॉन कुदा के। ओके, और निकल पड़े पटना वाले में क्या हो, निकल का तो रूल के हिसाब से लिख लेंगे, इनमें कोई कम मतलब एक्सेप्शन नहीं होता, लेकिन पड़े पटना वाले में पैलेडियम में S से दोनों इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, यहाँ d10 हो जाता है, और प्लैटिनम में क्या होता है, ऐसी S से एक ही इलेक्ट्रॉन कूदेगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप यहाँ पे बढ़ जाता है, तो एक्साइटेशन में एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही डी ब्लॉक में आपको याद रखना है एक्सेप्शनल के तौर पे। ओके, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी जस्ट आपको पिछले लेक्चर में भी दिखा चुका हूँ, जब मैं दो क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया था, अगले लेक्चर में भी दिखाऊंगा। ओके, एफ ब्लॉक वाले में, क्योंकि एफ ब्लॉक से आजकल पूछा जा रहा है, तो डी ब्लॉक में इतना याद रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यार गुरु दक्षिणा दो सब्सक्राइब करके। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एफ ब्लॉक का एक्सेप्शन का तरीका, लिखने का तरीका बताऊंगा। ओके।